<laughs> कुछ अर्से के लिए बल्कि काफी अर्से के लिए कि आप गायब भी हो गई जी सर वुड यू लाइक टू शेयर कि वो गैप किस हवाले से आया गायब भैया के इंतकाल के बाद जब मुझे थायर हो गए थे तो उसी वक्त मेरी फिर मेरा एक निकाह था जो एंड हुआ था उस वक्त वो साहब अमेरिका में थे मैं यहाँ थी तो हमारा वो तो वो ख़त्म हुआ तो एक ही साल में मैंने ग्लोबल कॉन्ट्रोवर्सी भी देखी भाई का इंतकाल भी देखा एक निकाह का ख़त्म होना भी देखा तो फिर ना जिंदगी और हालात से ऐसा लगा कि मुझे कुछ नहीं करना बस मुझे छोड़ देना ऐसा और फेज आता है बिल्कुल आता फिर एक शादी की 2016 में और वो मेरी तरफ से शादी थी और वहाँ से सिर्फ एक आई थिंक एक मूव थी एक एक कॉन करने का इरादा था और उसके बाद क्या हुआ कि जब आंखें खुली और बेदार हुई तो सारी सेविंग्स ख़त्म हो चुकी थी सब चीजों आप इमेजिन करें और आपके जहन में जो लफ्ज आए उससे भी सुपरलेटिव डिग्री जो मेरे साथ हुआ और फिर उसके बाद मैंने जिंदगी को बिल्कुल सब कुछ रोक कर सिर्फ ये सोचा कि करना क्या है अब लाइफ में मैंने डिसाइड किया कि या तो छोड़ दो या पकड़ लो तो मैंने जिंदगी को पकड़ लिया अब बस मैं सिर्फ हाफ ग्लास फुल देखती हूँ हाफ ग्लास खाली का सोचती भी नहीं वेरी गुड और फिर <laughs> ये अपनी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आई फिजिकली ये भी आ, अपने आप को देखा अपने आप को अपने बारे में सोचा कि नहीं मुझे अपनी जिंदगी और अल्लाह की देन है इतनी खूबसूरत मुझे काम नहीं मिलता था uh, मैंने जिस जिस इंसान ने इसी फील्ड में इतना कुछ सीख लिया हो उसको काम नहीं मिल रहा था और पता है होता इवन मैं आपको मतलब आपके प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाता है हम जो इनको काम हमारे लिए एक शौक है आ, आ, इस खबर से मुझे हार्ट अटैक भी हूँ पूरी तो करें। करें दुनिया में देखा जाता है जिसको काम आता हो और वो समझता है कि मैं मेहनती इंसान हूँ और उसको जब काम नहीं मिलता तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है वो ये कहता है अपने आप में या याल्ला मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ तुम्हें तो काम मिल जाता लेकिन सिर्फ सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है थोड़ा किस्मत थोड़ा टैलेंट दोनों अगर हो ना आपके पास तभी गाड़ी चलेगी सिर्फ किस्मत हो तो शायद बहुत लोग चल जाते हैं लेकिन सिर्फ टैलेंट हो तो कोई नहीं चलता यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का कहीं मत जाइएगा इमोशनल फैसले इंसान जिंदगी में हमेशा रिग्रेट करता है बिल्कुल तो जो वो कह रही है उनको समझिए और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए अच्छा नवन भाई इस रिलेशनशिप की बात की तो हमारे साहब आप इस बात को मानते हैं कि हर रिलेशनशिप में तीसरा आदमी जरूर होता है जो ब्रेकअप का वेट कर रहा होता है हो सकता है कि वो तीसरे आदमी आप भी हो हाँ हा। किसी के ब्रेकअप का वेट कर रहे हो क्या कहते सितारे जी माया साहिबा के 2012 से जो माया की फौजी ट्रेनिंग हुई है ना कि जो यहाँ तक इनका सफ़र जो वन पीस पे बैठी हैं तो मैं इस इसमें भी इन्हें हैथ सॉफ़ करती हूँ क्योंकि तो मुझे तो पता है किस नशेबरा से ये गुजरी है नुमां साहब नहीं पता लेकिन इतना प्यार करने वाली बंदी है मैं तो कहती हूँ कि वो पता नहीं बदनसीबी थी उनकी जो इनको नहीं समझ पाए हैं आप देखिए हमजद साबरी साहब ने सिर्फ मुँह बोली बहन कहा था इन्हें आज तक उनकी बरसी मनाती हैं ये तो जो मुँह बोली बहन रिश्तों को निभाने में ऐसी है वो इंसान कैसी हो सकती है सचमुच बहुत खूबसूरत सोल है माशाला। लेकिन माशाला। ये शुक्र है अल्लाह का थोड़ा सा वो कहते हैं ना हाथी निकल गए कुछ रह गई है उसकी अटकी रह गई है इतना सा गैप और है और माशाल्लाह माया आपका यहाँ तक पहुँचना ही एक रब की इनायत नजर आती है रब ने आपको अपनी रहमत से भी जो है ना वो नहीं और उनका इम्तिहान लिया जाता है आप खुद तो इतना याद करती हैं उनको तो फिर इम्तिहान वो कैसे ना दे ज्यादा ज्यादा बोलने वाले जो लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा बोल रहे होते हैं वो भी अपनी बहुत सारी चीजों को छुपा रहे होते हैं सर ऐसा ही है कि वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए अगर मैं ये कहूँ बहुत संजीदा बहुत संजीदा है तो क्या ये दुरुस्त होगी बात आप लोगों की नजर दूर तक है वो मुझे बहुत अरसे से ये मुझे बहुत अरसे से जानते हैं ये बहुत बड़े ये इतने स्पिरिचुअल हैं ये खुद इनके बारे में आपको आप तो इनके साथ अब काम कर रहे हैं आप लोग इंसान वो होता है जो लोग उसके बारे में कहते हैं तो तो मैं तो कुछ भी नहीं मतलब हुआ तो पता नहीं मैं कौन मैं तो खुद अपने <laughs> no आप को ढूंढ रही आई हैव नो कभी बरकत ने आपसे बात की अपनी शादी के हवाले से जी इन्होंने काफी दफा की मुझे की और मुझे बताया कि दादा की शादी कहीं और हो गई जिस <laughs> तरह से महंगाई चल रही है ना मेरी शादी में मुझे लग रहा है चाय और पापे होंगे या मैं शादी में आधे घंटे की ब्रेक दूंगा घर से खा के आऊ छोटे छोटे सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले लेट्स टेक अ ब्रेक <laughs> हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लाते अगर आपकी हो तो मैं सर, सर, तो <laughs> माया खान साहब आई हैं हमारे पास हम भाई आए हैं कराची से इसका पैगाम लाए हैं चाय वाले का क्या प्रॉब्लम गई चाय वाले को चाय वाला कहते हैं चस्किया में लाना मेला मशहूर है मेरा चाला ठेला खालस दुध ले आना वाहना ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਲਿਆਨਾ ਪੱਤੀ ਚੀਨੀ ਹੋਬਦੀ ਪਾਨਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਪਖਾਨਾ ਚਾਹ ਦੀ ਲੋ ਤੇ ਚਾਹ ਪਕਾਨਾ ਵਾਹ ਤੇ ਤਾਈਓ ਮੇਰੇ ਕੋ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਵਾਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਟੁਕਦਾ ਆਹਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਡਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਡਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਘੁੱਟ ਟਕੋਰਾ ਦੇਓ ਭਰ ਦੇ ਆ ਆਹਾ ਆ ਘੁੱਟ ਟਕੋਰਾ ਦੇਓ ਭਰ ਦੇ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਸਮਝ ਆਈ ਐ ਮੈਂ

ਤੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਤੀ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਚਾਓ ਕੜਕ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਏ 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 ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵਾਈਫ ਤੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਠੀਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਨਣ ਆਹੋ ਹਾਹ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਤੇ ਬਾਤਾਂ ਜਾਨਣ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਮੁਰਕਾ फिर भी लाना सब ने सुड़का सुड़का क्या होता है पसीना 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 अच्छा। अच्छा। ते कल भी कोई जोड़ नहीं सी आज भी कोई जोड़, जोड़ नहीं है आहा। कल भी एदा तोड़ नहीं सी आज भी एदा तोड़, तोड़ नहीं, नहीं है ते आप नु टेंशन विच ना पाओ चाह पियो ते गम भुलाओ दो हजार उन्नीस में फिल्म का मजा भी चखा जी जी उसका एक्सपीरियंस बताएंगे कैसा रहा चखने तक ही था चखने तक ही था, था, था। <laughs> आपने वो जो बात कही थी उससे ही बात अब रिलेट करिए जो आपने कहा ना कैरेक्टर बनाना तो मैं हमेशा अपने कैरेक्टर को बनाता हूँ इस फिल्म के लिए मैंने कैरेक्टर को बनाया बाल लंबे किए <laughs> शेव बढ़ाई क्योंकि उसमें चेंज ओवर था कैरेक्टर किसके साथ केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है यार। <laughs> <आफ यार। laughs> रख, <पहुन> यार? <laughs> किसी आर्टिस्ट का तो मैं सच नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने जो सीनियर एक्टर्स के साथ काम किया वो सानिया सईद साहिबा उनके साथ जब मैंने काम किया तो लगा कि कुछ आता ही नहीं करना आप उनको देखते हैं तो आपको कहते हैं कि यार हाँ। ये आप बात बिल्कुल दुरुस्त करेंगे सानिया जी के साथ मैंने भी काफ़ी काम किया है तो एक हम हमारा भी यही है हम एक दूसरे को ठीक ठुक करते रहते हैं लेकिन वो एक अपनी तर्ज की एक अनोखी और अभी मैं मरीना साहिबा के साथ भी किया आ, जी, तो मरीना, मरीना मैम के साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे अब लगा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि हु इज योर फेवरेट डायरेक्टर तो मैं नाम ले सकता हूं सो आपने उनकी अंडर डायरेक्शन काम जी अंडर अरे अल्लाह हु अकबर क्या बात जी सामिया जी क्या कहते हैं हमारे सितारों के सितारे हिसाब निकालिए जरा हमायूं साहब से बिस्मिल्लाह करते हैं सितारों की 24 डिग्री सन लिब्रा में लेके पैदा हुए अच्छा। और आ, आ, मूड स्विंग्स के तो बादशाह